हुण वेखो पंजाबी नूं छड्डदे जा रहे हैं। पंजाबी सानूं उड़ा उड़ा विरलियां नूं आउंदा, एबीसी दसो किहनूं नहीं आउंदी, उड़ा एड़ा छड रहे हैं। गुरमुखो पंजाबी ए गुरमुखी गुरुआं दे मुख तों निकली है। धन गुरु नानक साहब की पट्टी उत्ते लिखी गई सी, धन गुरु नानक साहब ने यह गुरमुखी सानू बख्शी। ते आपां पंजाबी बोलनी नहीं पसंद करते। हुण घरां विच देखो मां प्यो छोटे छोटे बच्चों नू कहां गया था, नो बेबी यस नो। हुण कहणगे भी मेरा बच्चा बोले भी अंग्रेजी, सुने भी अंग्रेजी, बोले भी इंग्लिश, सुने भी इंग्लिश, मेरे नाल गल भी इंग्लिश करे, सारा कुछ अंग्रेजी कल्चर दा कराउने आ। ओ फिर दाड़ियां केस भी कटाउंदा अंग्रेजी कल्चर। मां प्यो कहिंदे की करिए साडे कड़ा बस है, ढिल छड्डने आपां उत्थे, साडे कड़ा बस है जी, हुण की करिए, चल मनदा ही नहीं गल नूं। फिर कल नूं जदों चुक के जिवें अंग्रेजां दे बच्चे बिरध आश्रमां विच मां प्यो नूं छड्डे आउंदे ने, जदों घरों बाहर कढ़दे उदों वी क्या करो की करिए। हुण असीं ओह कल्चर दित्ते ना अपने बच्चिआं नूं, असी पंजाबी तो तोड़े है। साडा सभ्याचार धन गुरु नानक साहब ने दिता सानू सभ्याचार, यह साडा सभ्याचार है। साडा सभ्याचार माता खीवी जी जिन्होंने लंगरां की सेवा की, साडा सभ्याचार भाई मंझ जी खूह विच गिर गए लकड़ां सिर ते चक लिया कि गिल्लियां ना हो जाण, यह साडा सभ्याचार। पर असी एक वैस्टर्न कल्चर असी लै आंदा है ते फिर गुरमुखो पछताउंदे भी मां प्यो आप ही ने मगरों दी। फिर छोटे छोटे बच्चों पंजाबी तो ना टुटो, ये गुरमुखी है मां बोली साड़ी। जेड़ा अपनी मां तो टुट जाता भुखा मरद, मातृ भाषा तो टुटिया बंदा भुखा मरद। इसे करके ये नहीं मैं कह रहा भी इंग्लिश ना बोलो, अंग्रेजी बोलनी माड़ी नहीं, हिंदी बोलनी माड़ी नहीं, सारिया भाषा सीखो, फ्रेंच भी सीखो, जर्मनी भी सीखो, बहुता नहीं तो घर पर एक दूजे को फतेह बुलाया करो। घर तो गुरसिखी च रहो, अपने विरसे नाल जुड़िए।